इस मूवी में जो हमारा मेन लीड है वो एक कार्लोन इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पे उसकी कार के अंदर ड्रग्स की तस्करी हो रही है और उसे बिल्कुल नहीं पता। और उसी के बीच में उसका एक दोस्त उसकी कार चुरा के भाग जाता है जिसके अंदर ड्रग्स होती है। अब लोकल गुंडे हमारे मेन लीड के पीछे पड़ गए हैं और इसी के बीच में उसके पिता की मौत हो जाती है और गुंडों से बचने के लिए वो पिता की पुरानी कार जिसका नाम स्टेलर है उसे लेके भाग जाता है। अब गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और वो अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी कार चुराई है। और इसी के बीच एक लंबी सी यात्रा शुरू होती है जिसमें वो स्टेलर का इस्तेमाल करता है और स्टेलर एक खटारा कार है जो मुसीबत में फंसते ही हीरो को हर बार बचा लेती है। तो लोग इसे टार्जन दी वंडर कार से कंपेयर कर सकते हो। इस मूवी में कॉमेडी है, ड्रामा है और फैमिली वैल्यूज के बारे में दिखाया गया। हमें यह भी बताया जा रहा है कि कैसे वो पिता नहीं बनना चाहता अपने पिता के साथ खराब रिश्तों के कारण, पर कैसे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और उसे अपने पिता की सच्चाई पता चलती है और उसका जो ट्रेलर कार से पुराना प्रेम था कैसे वापस आ जाता है, ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। इस मूवी में कॉमेडी, ड्रामा और फैमिली वैल्यूज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बिल्कुल वल्गर कॉमेडी नहीं है, आप आराम से फैमिली के साथ देख सकते हो। तो मैं 8.1 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ